everybody, you are watching Brown Puri Sumar and welcome to my channel. To those who are keep coming back and to those who are new here, welcome to the family. By the way, if you haven't subscribed to my channel yet, so kis se iski wait kar rahe ho yaar, jaldi se subscribe ka button daba do, wo just down there hai, usko daba ke meri family ka hissa ban jao. Main aapko bahut pyar karungi iske liye. Okay, agar aap wo nahi bhi dabate ho tab bhi main aapko pyar hi karungi. Okay, to aaj ki video mein hum log kya karne wale hain. मैंने आपको अपने स्नैपचैट पे पूछा था कि अगर मैं आपको कुछ हॉरर और जो कुछ यू नो क्रीपी काइंड ऑफ स्टोरीज सुनाऊं जो मेरे साथ हुई हैं या कुछ ऐसे भी रैंडम लोग ऐसे किस्से एक दूसरे को सुनाएं तो आपको आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं. सो अराउंड 100 से ज़्यादा लोगों ने कहा यस एंड 3-4 लोगों ने कहा नो. सो बिकॉज बहुत ज़्यादा वोट्स मिली है मुझे यस में तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी. और आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक चाइल्डहुड किस्से से जो मेरे साथ हुआ था. आई होप आप ये इन्जॉय करोगे. अगर आप जानना चाहते हैं ये क्रीपी और स्केरी सा किस्सा, प्लीज़ देखते रहिए. ओके, तो ये बात है काफ़ी पुरानी. मैं बहुत छोटी थी. छोटी से मतलब मैं होंगी 10 साल की, अराउंड 10 ईयर्स की. यहाँ तब हमें जून जुलाई की छुट्टियां थी और आपको पता है कि जून जुलाई की छुट्टियों में हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता. होमवर्क होता है बहुत सारा. जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं अराउंड 40 डेज़ की और उस समय हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है. होता बहुत कुछ है, बहुत सारा होमवर्क मिलता है पर हमें वो नहीं करना होता और हमें इन्जॉय करना होता है. और नॉर्थ पार्ट में स्पेशली हमारे वहाँ पे बहुत गर्मी होती है जून जुलाई में. और जून जुलाई की दोपहर ऐसी होती है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं. मम्मियाँ सो जाती हैं और बहुत ही शांत होता है ये दोपहर वाला समय वहाँ पर. ये दोपहर वाला समय 12 बजे जैसा होता है क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी निकलना पसंद नहीं करता और गलियां पूरी सुनसान ख़तरनाक और बहुत ही शांत होती है. बहुत ही डरावना सा टाइम होता है वो. तो हम लोग उस टाइम में क्या करते थे, हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे यूजुअली मैं बच्चों के साथ बहुत नहीं खेलती थी. मेरे मोहल्ले में सिर्फ एक दो बच्चे थे जिनके साथ मैं खेलती थी. पर उस सीज़न की छुट्टियों में मैंने बहुत दूर वाले लोगों को भी फ्रेंड बना लिया था. मेरे घर से 15-16 घर दूर उनका घर था. तो हम सभी बच्चे एक साथ प्ले कर रहे थे पार्क में. अराउंड 10-12 बच्चे होंगे, हम लोग प्ले कर रहे थे पार्क में. तो ये हमारा रूटीन बन गया उस सेशन का, उस सीज़न की छुट्टियों का. हम हर दोपहर में जब मम्मी सो जाते थे या सबके पेरेंट्स आराम करते थे तो उस टाइम हम लोग बाहर आते थे चुपके से और खेलना शुरू कर देते थे. तो हमारे मोहल्ले में एक ऐसा घर था जिसमें कोई नहीं रहता था. वो पूरा डरावना सा घर था. उसमें वीड उगी हुई थी, गंदे पौधे थे और पूरा क्रीपी सा घर था. वो टूटा हुआ घर था और उस पर पेंट भी नहीं हुआ था. वो देखने में बहुत ही क्रीपी और स्केरी लगता था, जैसे वहाँ पे सदियों से कोई नहीं रह रहा हो. वहाँ पे कोई नहीं रहता था. तो हम उस घर को भूत बंगला बुलाते थे. हमारे बच्चे हम वहाँ से निकलते हुए बहुत डरते थे कि वहाँ से निकलेंगे वो भूत बंगला है या क्योंकि वो बहुत ही क्रीपी सा दिखता था और बहुत ही पुराने ज़माने जैसा. तो हम बहुत डरते थे उस घर से. उस बच्चे से लड़ाई भी करते थे या किसी के साथ कोई भी कंसर्न होता हम कहते थे तुम्हें भूत बंगले में छोड़ देंगे. वो हमारे लिए एक बहुत ही डरावनी सी चीज़ थी. हम बहुत डरते थे उस चीज़ से. एक दिन हम में से एक लड़का था, उसने उसका नाम क्या बोलूँ मैं, उसका नाम हम रोहित रखते थे यहाँ. तो रोहित ने मुझे कहा, मुझे नहीं कहा, हम सब लोग खेल रहे थे और बहुत बोर हो गए थे. हम वही पुरानी गेम्स खेल खेल के बोर हो गए थे. तो रोहित ने हम सब बच्चों को सजेस्ट किया. वो बहुत ही शैतान और शातिर सा होता था. वो बहुत ही बातें करता था, बहुत ही एक्टिव था बाकी बच्चों के मुकाबले. वो मेरी एज का ही था, हम सेम क्लास में थे. तो उसने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आज हम लोग भूत बंगले में चले. सभी बच्चे डर गए और सब बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, हम उस बंगले में नहीं जा सकते, वहाँ पे भूत है और क्या हुआ अगर हम मर गए तो, और हमें उसने खा लिया. बच्चे कैसे बात करते हैं. पर बहुत सारी कन्वर्सेशन के बाद हम लोगों ने, सारे बच्चे अग्री हो गए जाने के लिए अंदर.
पर अंदर से हर बच्चा बहुत डर रहा था. तो हम लोगों ने डिसाइड किया, शाम हो रही थी, सारे मोहल्ले में चहल पहल शुरू हो गई थी, लाइक 5-6 बज गए थे हमें डिस्कस करते करते. हम लोग ऐसे वो धूप में पेड़ के नीचे बैठ के, आपको बताना भूल गई मैं, जहाँ पे मेरे घर था, मेरा घर था इंडिया में, उस घर के सामने पार्क थी, बहुत बड़ी पार्क थी, जो पार्क अराउंड 15-20 घर कवर करती थी, जो मेरे घर से शुरू होकर बहुत ही एंड तक जाती थी. और उस पार्क में हर एक घर का बैक डोर था, मेरे घर के फ्रंट पे थी और मेरे फ्रंट पे जो घर थे उनका बैक डोर उस पार्क में था, और उस भूत बंगले का बैक डोर भी पार्क में था. तो हम लोग जब पार्क में प्ले करते थे, हम उसे हमेशा देखते रहते थे भूत बंगले को. तो उसी दिन खेलते खेलते उसने, रोहित ने सजेस्ट किया कि हम लोग भूत बंगले के अंदर जाएंगे. तो हम उसी पार्क में बैठे हुए एक पेड़ के नीचे बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, और घर की तरफ इशारे कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे. और हम लोगों ने पूरा इरादा कर लिया था कि हम लोग उस घर के अंदर जाएंगे, बट अब क्योंकि शाम हो चुकी थी, सब लोग उठ गए थे और सब लोग बाहर घूमने फिरने लगे थे, हमने सोचा कि कल हम दोपहर को पूरे टाइम पे आएंगे और सबसे पहले यही काम करेंगे, भूत बंगले के अंदर जाने का. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भूत बंगले के अंदर जाने से पहले हमें तो कुछ सेफ्टी वाली चीज़ें चाहिए हमारे हाथ में, जैसे कुछ लोहे की चीज़ें, या हम कड़ा पहनते थे, कड़ा आप अगर नहीं फेमिलियर हो तो सिख रिलीजन में कड़ा पहनते हैं, वो लोहे का होता है. तो हम मैंने वो कड़ा सोच लिया कि मैं कड़ा लेके आऊँगी. कुछ बच्चे मूर्ति लेके आए, जैसे हनुमान जी की मूर्ति, या कुछ फ़ोटो लेके आए, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, ये वो सब बच्चों के पास उनका सेफ्टी वाला प्रोडक्ट होने वाला था. कल हमने ये डिसाइड कर लिया, हम घर से आते आते ये चीज़ें लेके आएंगे, ताकि अगर हम घर के अंदर जाएँ और वहाँ पर भूत मिले तो हम लोग बच पाएँ. सो वो रात बहुत ही अजीब निकली, हम डर भी रहे थे कल भूत बंगले के अंदर जाने के लिए, और बहुत एक्साइटेड भी थे कि देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि इतने बच्चे हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होने वाला, 10-15 बच्चे हैं तो हम लोग कर लेंगे. ओके, तो अगली दोपहर अराउंड 1-1.30 बजा था, 1:30 या 2 बजे होंगे, हम लोग सारे पार्क में इकट्ठा हो गए. तो जो रोहित था वो थोड़ा स्मार्ट था, उसने सारे बच्चों का स्टफ चेक किया कि किसके पास सेफ्टी के लिए क्या है, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, तो उसने चेक कर लिया कि सबके पास कुछ ना कुछ है. तो अब टाइम था उस घर के अंदर एंटर करने का. हमने अपनी सेफ्टी वाली चीज़ पकड़ के रखी हाथों में, और बच्चों ने एक दूसरे को भी पकड़ लिया, जैसे किसी को आर्म से या कुछ भी, कैसे भी सेफ्टी वाले पकड़ लिया हमने एक दूसरे को, और हम ऐसे जंजीर बना के घर की तरफ जा रहे थे. और जो घर का डोर था वो लाइक पतली सी लोहे की सीखों जैसा था, जैसे जेल के डोर होते हैं. तो हमने वो डोर के खड़े होके, डोर से खड़े होके देखा कि अंदर क्या है. वहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा जंगल सा उगा हुआ था, लाइक वीड सी थी. तो हम लोगों ने डोर को खोला, क्योंकि उस पर लॉक नहीं था, वो बस ऐसे कुंडा था. तो खोल के हम लोग बहुत ही धीरे से अंदर गए. वो हमने वो पेड़ से क्रॉस करे जैसे कैसे भी, और हमारे रोंगटे खड़े हो गए सब बच्चों के, और बहुत ही हम लोग डर रहे थे. और जब हम अंदर वो आंगन में पहुंचे तो हमें अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, लाइक गिरने की नहीं, मतलब थोड़ा सा कुछ हिला अंदर, तो ऐसे लगा कि कोई अंदर है. तो बच्चे चिल्लाने लगे, और 2-4 बच्चों को ही वो आवाज़ सुनी थी, लाइक मुझे सुनी थी, और बाकी बच्चे नहीं माने, और वो रोहित नहीं माना. उसने कहा कि कुछ भी नहीं है ऐसा, हम अंदर जाएंगे, हम घर के अंदर जाएंगे. और कुछ बच्चे भाग गए वहाँ से कि हम अंदर नहीं जा सकते, हमें कुछ सुनाई दिया और हम नहीं आएंगे, वो बाहर चले गए. आई थिंक 2 बच्चे बाहर चले गए थे और मैं नहीं गई थी, मैं अंदर ही थी. तब हम घर की तरफ और एंटर करने कर रहे थे, तब हमें अंदर से ऐसे लगा कि कोई सफ़ेद चुन्नी वाली सर ढके हुए लेडी लाइक क्रॉस किया है उसने. विंडो से उसकी रिफ्लेक्शन सी आई, क्योंकि वो विंडोज़ अलग से शीशे की थी जिससे पूरा नहीं दिखता था. तो वो सब बच्चों ने देख लिया,
और सब बच्चे इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगे, इतनी ज़ोर से, और सब ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। और वो जो हमने सेफ्टी वाली चीज़ें पकड़ रखी थी वो भी हमें पता नहीं कहाँ गई। इतने भाग दौड़ में हम लोग भागे और बाहर किसी तरह पहुँचे। हमें तो लगता था कि हम बाहर पहुँच ही नहीं पाएंगे, कि वो जो भूत है उस भूत बंगले का वो आके हमें खा जाएगा। तो जब हम भाग रहे थे तो अंदर से हलचल थोड़ी तेज़ हुई और ऐसे लगा कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, लाइक दरवाज़ा खुला और हमारे पीछे कोई आ रहा है। हम बहुत तेज़ी से भाग गए और इतना डर गए थे हम, तो हमारे पीछे सच में कोई था। और वो कौन था, अब मुझे सोच के हंसी आती है। तो वो कौन था, वो उस घर की आंटी थी। तो वो उस घर की आंटी थी, लाइक वो घर था किसी आर्मी ऑफिसर का जिसने वो घर छोड़ के वो चले गए थे, पर वो दोबारा से उस घर में आ गए थे। और वो उनकी पत्नी थी और उस पत्नी ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, लाइक बहुत ही लाइट शेड की, क्योंकि गर्मियों में लोग बहुत ही लाइट लाइट कपड़े पहनते हैं। तो उसने सर भी ढक रखा था और वो हमारे पीछे भागी आई और उसने हमें इतनी गालियाँ निकाली। वो कह रही कि, वो पंजाबी में बोल रही थी, कह रही और हिंदी में, वो कह रही तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या, इतनी तेज़ दोपहर में लोगों के घर में तोड़ फोड़ कर रहे हो और आके लोगों को डरा रहे हो। तुम्हारी माएँ कहाँ मर गई हैं तुम लोगों को बाहर फेंक के। और हम लोग इतना हंसे, ओ माय गॉड। हमने कहा कि थैंक गॉड ये बुड्ढी है, और हम हंस रहे थे। बुड्ढी कह रही तुम्हें माँ बाप ने कोई अकल नहीं सिखाई, कोई बुजुर्ग बंदा बातें कर रहा है और तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। हम उस औरत को बता नहीं पा रहे थे कि तुम्हें देख के हमें कितनी खुशी हुई है कि तुम रियल में आंटी हो, भूत नहीं हो। तो यार ये था मेरा चाइल्डहुड का एक क्रीपी सा किस्सा जो मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपने ये इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इन्जॉय किया है तो मुझे बड़ा सा थम्सअप दें, 1500 थम्सअप दें एटलीस्ट गाइस। और अगर आप ऐसी कुछ और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बार में, और मैं और स्टोरीज सोचूंगी कि क्या क्या हुआ था और आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए गाइस, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट गाइस, यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, जस्ट स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। बाय। I like to make money, get turn. I like to make money, get turn. I like to make money, get turn. Got the white girl talking.